नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब एक नजर सुर्खियों पर। आज के गणतंत्र दिवस समारोह में देखने को मिलेंगी ये खास चीजें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के ये पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित। ट्रेनिंग के अनुसार नवनियुक्त शिक्षक पढ़ा रहे या नहीं, इसकी शिक्षा विभाग करेगा मॉनिटरिंग। आज पूरे 3 साल बाद पटना में प्रो कबड्डी लीग का हो रहा मुकाबला। रेलवे ट्रैक पर क्यों बिछे होते हैं नुकीले पत्थर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज के गणतंत्र दिवस समारोह में देखने को मिलेंगी ये खास चीजें। पटना के गांधी मैदान में आज 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा है कि उनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि इस अवसर पर गांधी मैदान में खास आयोजन देखने को मिलने वाला है। कार्यक्रम के दौरान शानदार परेड के साथ साथ 14 विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेंगी। वहीं राजधानी में इस राष्ट्रीय समारोह को लेकर प्रशासन से लेकर पुलिस सभी अलर्ट मोड में है। पटना जंक्शन से लेकर अन्य कई भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आरपीएफ जीआरपी के टीम भी सिविल ड्रेस में गश्ती कर रहे हैं। पेट्रोलिंग की टीम भी शहर के कई क्षेत्रों में नजर रख रही। डाक बंगला चौराहा मौर्य लोक के पास सुरक्षा के लिहाज से 30 से भी अधिक सीसीटीवी के जरिए नजर रखे जा रहे हैं। वहीं गांधी मैदान में भी वरीय अधिकारियों की तैनाती गेट पर की गई है। इसके अलावा कई थाना प्रभारी भी आसपास के जगह पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए भी अग्निशमन दस्ता तैयार है। प्रकाशन विभाग में असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर और डीटीपी ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती। प्रकाशन विभाग में असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर और डीटीपी ऑपरेटर्स पदों के लिए संविदा के आधार पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक असिस्टेंट एडिटर के 60 पदों पर भर्ती होगी, प्रूफ रीडर में भी 60 पदों पर भर्ती होंगी और डीटीपी ऑपरेटर्स के कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएंगी। यदि इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में स्नातक या पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है। वहीं डीटीपी ऑपरेटर्स के लिए स्नातक के साथ साथ डीटीपी में भी 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक एनसीईआरटी के नई दिल्ली स्थित ऑफिस में होगा। इसके बाद 2 और 3 फरवरी को स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रकाशन विभाग एनसीईआरटी श्री अरविंदो मार्ग नई दिल्ली 110016 पर आना होगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एनसीईआरटी के वेबसाइट पर इसके अधिसूचना को देख लें। ट्रेनिंग के अनुसार नवनियुक्त शिक्षक पढ़ा रहे या नहीं, इसकी शिक्षा विभाग करेगा मॉनिटरिंग। बिहार में स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खबर आई है कि सरकारी स्कूलों में ये शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, अब इसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। शिक्षा विभाग इन शिक्षकों की मॉनिटरिंग नज ऐप के माध्यम से करेगा। जो भी बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षक आए हैं उन पर इस ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही दिए गए ट्रेनिंग के मुताबिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से विभाग के पदाधिकारी मैसेजिंग और ट्रैकिंग के जरिए ये जानकारी भी रख सकेंगे कि कौन सा शिक्षक कब स्कूल आए हैं और कब लौटे हैं। बता दें कि जो भी नवनियुक्त शिक्षक आए थे उन्हें प्रदेश के 81 अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। अब शिक्षा विभाग इसी चीज को लेकर सर्वे करके यह सुनिश्चित करना चाह रहा कि वे इसी आधार पर पढ़ा रहे या नहीं। बता दें कि ऐप में इसके अलावा कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे ताकि निरीक्षण टीम स्कूलों में शिक्षकों के शिक्षण के स्तर को समझ सके। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के ये पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के पुलिस कर्मियों को पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जिन अफसरों और जवानों की घोषणा की गई है उसमें बिहार से कुल 25 अफसर और जवान शामिल हैं। इनमें से 6 वीरता पदक से सम्मानित किए जाएंगे, 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। जिनका चयन वीरता पुलिस पदक के लिए हुआ है उसमें ASI ज्योति कुमार सिंह, हवलदार दिवंगत विश्वा उराव, कांस्टेबल शंभू महतो, अपर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार झा, ASI धर्मेंद्र पासवान, जूनियर कमांडो वीर बहादुर रोका का चयन किया गया है। वहीं जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा उसमें R. Mallar VG अपर पुलिस महानिदेशक बिहार, इसके अलावा सुनीता इंस्पेक्टर बिहार को सम्मानित किया जाना है। वहीं सराहनीय सेवा के लिए भी बिहार से कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
बिहार पुलिस एसआई प्रीलिम्स का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार में अभी बीते 17 दिसंबर को ही 1275 पुलिस अवर निरीक्षक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में कुल 5,36,537 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 25,405 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। अब प्रीलिम्स में पास हुए ये अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में बैठेंगे। हालांकि यह परीक्षा कब होगी इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्दी इस परीक्षा के साथ साथ एडमिट कार्ड के डेट की घोषणा भी कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा में भी शामिल हो जाएंगे उसके बाद उन्हें शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। वही मेंस की परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा। इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा को आपको 2 घंटे तक में पूरा कर लेना होगा। वहीं दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे एचसी वर्मा के बारे में। एचसी वर्मा का पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कार्यरत एक भौतिक विज्ञानी एवं प्राध्यापक है। इसके पूर्व उन्होंने पटना के विज्ञान महाविद्यालय में अध्यापन किया। उनके कार्य का क्षेत्र नाभिकीय भौतिकी है। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अत्यंत लोकप्रिय है। एचसी वर्मा को बिहार सरकार द्वारा 2017 में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। फरवरी 2020 में एचसी वर्मा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रेलवे ट्रैक पर क्यों बिछे होते हैं नुकीले पत्थर? अधिकतर भारतीय ऐसे हैं जिनके यात्रा का सबसे सुगम माध्यम ट्रेन है। ऐसे में हमें से कई ऐसे लोग भी होंगे जो ट्रेन से सफर करते होंगे। ऐसे में आपने रेलवे की पटरियों पर नुकीले पत्थर बिछे देखे होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर ये नुकीले पत्थर क्यों बिछे जाते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या है, साथ ही बताएंगे कि आखिर रेलवे ट्रैक बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक पर नुकीले पत्थर होते हैं उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। वहीं इनके ऊपर जो कंक्रीट के लंबे प्लेट बिछे होते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं, जिसके नीचे 2 अलग अलग तरह की मिट्टी को सेट किया जाता है और उसके ऊपर से ये स्लीपर और ब्लास्ट होते हैं। जब ट्रेनें इन रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है तब ट्रेन के भार को स्लीपर और पत्थर के कॉम्बिनेशन ही संभालते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जब ट्रेनें पटरी से गुजरती हैं तब उसमें कंपन और शोर भी होते हैं। ये नुकीले पत्थर इन्हें सोखने का काम भी करते हैं। आज पूरे 3 साल बाद पटना में प्रो कबड्डी लीग का हो रहा मुकाबला। आज पूरे 3 साल बाद पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में प्रो कबड्डी लीग का आयोजन हो रहा है। बता दें कि आज का यह मुकाबला पटना पायरेट्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच होगा। होने वाले इस मैच को लेकर टीम ने रणनीति साझा की है। उन्होंने बताया कि रणनीति पहले से होती है लेकिन प्लानिंग किसी को बताई नहीं जाती। प्लानिंग पूरी है। ग्राउंड में उतरने के बाद पटना पायरेट्स की टीम जब अपने सामने वाले प्लेयर्स को पराजित करेगी तब रणनीति का खुलासा होगा। वहीं पटना पायरेट्स के कप्तान सचिन तंवर द्वारा बताया गया था कि सचिन एक स्टार खिलाड़ी हैं। वह अपने टीम के लिए अच्छा करते आ रहे हैं और इस बार भी अच्छा करेंगे। उन्होंने बताया कि टीम अपने घरेलू ग्राउंड पर बेहतर प्रदर्शन करेगी, साथ ही टीम लोगों के भरोसे पर उतरने का काम भी करेगी। 1-2 पॉइंट से हम लोग हारे हैं इसलिए यह हार सीख के रूप में सामने आएगी और उम्मीद की किरण जगाएगी। सरकारी योजना का लाभ लेकर स्कूल से फरार रहने वाले बच्चों पर हो रही कार्रवाई। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकारी स्कूलों में कई योजना इसलिए भी शुरू की गई थी कि इन योजनाओं के बहाने बच्चे स्कूल पहुंचे और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके बच्चे सरकारी योजना का तो लाभ ले रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। अब इसी को देखते हुए ऐसे छात्रों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही, साथ ही अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के नामांकन को भी रद्द किया जा रहा है। बता दें कि इन बच्चों की पहचान NIC की तरफ से तैयार किए गए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के जरिए की गई। कैमूर वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने हेतु बिहार सरकार के पास पहुंचा ड्राफ्ट। प्रदेश में कैमूर वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत जंगल के इलाके को आबादी वाले हिस्से से अलग रखने की प्रक्रिया की जा रही। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही आबादी वाला हिस्सा जंगल वाले हिस्से से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद इस क्षेत्र में जंगल के प्रतिबंधित कानून को लागू कर दिया जाएगा, साथ ही आम जनजीवन प्रभावित न हो इसका ध्यान भी रखा जाएगा। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को टाइगर रिजर्व की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। यदि कैमूर वन अभ्यारण्य को मंजूरी मिल जाती है तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। बता दें कि करीब 1600 वर्ग किलोमीटर में कैमूर वन क्षेत्र का इलाका फैला हुआ है। वहीं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैमूर वन अभ्यारण्य वन प्राणियों के लिए बहुत बड़ा है।
अमिताभ बच्चन को लेकर खेसारी लाल यादव ने कह दी ये बात। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का बयान सामने आया है। दरअसल इस बार उनका बयान बॉलीवुड के जाने माने हस्ती अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर आया है। उन्होंने कोलकाता में एक स्टेज प्रोग्राम के दौरान अपने गरीबी के दिनों की चर्चा करते हुए कहा कि गरीब होना कमजोरी नहीं है, गरीबी आपकी ताकत होती है, गरीबी आपको मेहनती बनाती है, मेहनत आपको आगे बढ़ाती है। वहीं बातों की चर्चा करते हुए उन्होंने एक कमाल की लाइन कही। उन्होंने अपने फैंस को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत से अमिताभ बच्चन बनते हैं, किस्मत से अभिषेक बच्चन। बिहार काउंसिल चुनाव में मनन मिश्रा ने सातवीं बार चुनाव जीत रचा इतिहास। मनन कुमार मिश्रा ने लगातार सातवीं बार भारी मतों से बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव जीता है। ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया। इस चुनाव में उन्हें प्रथम चरण में 1537 मत मिले। बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य के रूप में ये वर्ष 1989 में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से उन्होंने लगातार सात बार भारी मतों से जीत हासिल की। वहीं इस जीत पर मनन मिश्रा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि वकील समाज ने मुझ पर जो भरोसा किया है वह हमेशा कायम रहेगा। वे अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बता दें कि मनन मिश्रा गोपालगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपने LLB की पढ़ाई पूरी की है। 3 दिनों तक पटना सहित प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर की बनी रहेगी स्थिति। बीते कुछ दिनों से मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। ठंड की वजह से लोग थोड़े परेशान हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भीषण ठंडा का यह सितम 29 जनवरी तक देखने को मिल सकता है। इससे पहले ठंड से राहत की कोई संभावना नहीं है। बिहार में हवा की रफ्तार तेज होने से कपकपी कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग इन दिनों मौसम को लेकर अलर्ट भी जारी कर रही है, साथ ही ठंड से बचने की सलाह दी जा रही। आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं मौसम को लेकर विभाग द्वारा बताया गया है कि आने वाले 4 दिनों में मौसम को लेकर किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहारी पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे बिलासी बांध के बारे में। बिलासी बांध बांका जिले के फुल्ली डूमर गांव में स्थित है। आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। यह बांध चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां पर बरसात में आकर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। यहां पर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती है। यहां पर शाम के समय में सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहां पर आप नहाने का भी मजा ले सकते हैं। यह जगह बहुत सुंदर है। यह बांका का पिकनिक स्पॉट है। यहां पर जंगल पहाड़ों के बीच प्रकृति की मनोरम वादियों में बने जलाशय का मजा ले सकते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित यह डैम पर्यटन के लिहाज से लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। बिहार की बेटी दुर्गा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार के गोपालगंज की रहने वाली दुर्गा सिंह ने भी खेलो इंडिया गेम्स में अपना स्थान बनाने में सफल रही है। दुर्गा गोपालगंज के बेलवा गांव में किसान शंभू शरण सिंह की बेटी हैं। दुर्गा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौड़ प्रतियोगिता में 1500 मीटर की दूरी 4:29.22 सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सफलता को पाने के बाद दुर्गा ने कहा कि मैंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। मेरे पिता के अलावे मेरे परिवार में खेल के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी। मेरे पिता हमेशा मुझे कहते थे, तुम जहां जाना चाहो जाओ, जो करना चाहो करो। केवल उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसलिए आज मैं यहां हूं। दुर्गा अभी 10वीं कक्षा की छात्रा है। इससे पहले भी दुर्गा ने 38वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4:38.29 सेकंड में 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगों ने उड़ाए लाखों रुपए। अब तक भारत सरकार द्वारा देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं मिली है, बावजूद इसके इससे जुड़े छोटे छोटे व्यवसाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे जुड़े कई मामलों में तो ठगी के मामले भी पांव पसारते नजर आ रहे हैं। अब इस तरह का मामला बिहार के मुजफ्फरपुर में भी सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर की एक महिला से 83 लाख रुपए की ठगी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कर ली गई है। दरअसल ठगों ने महिला से कहा कि ऐप पर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वेबसाइट coinswiss.xyz से लॉगिन हो जाएगा। ठग लगातार महिला को झांसा देते रहे कि पैसे सुरक्षित हैं और 10% के ब्याज के साथ ही मिलेंगे। अपने अकाउंट को महिला ने अनफ्रिज करने के लिए धीरे धीरे करके लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। हालांकि अब महिला ने इस मामले की शिकायत थाने में भी कर दी है। मामले को लेकर ठगी के शिकार हुई सीमा ने बताया कि साइबर थाने में FIR दर्ज कराने के बाद भी उन्हें साइबर साथियों का कॉल आता रहा। पुलिस ने साइबर साथियों के 2 अकाउंट में उड़ाए गए 11 लाख रुपए होल्ड करवाए हैं। इससे जुड़े मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार कैबिनेट बैठक के बाद इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रद्द। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, लेकिन बैठक मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही चल सकी। बैठक के बाद होने वाले मीडिया ब्रीफिंग को भी रद्द कर दिया गया था। इस बारे में सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से पत्र भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से मीडिया ब्रीफिंग रद्द की जाती है। बता दें कि कैबिनेट बैठक को लेकर
जब 22 जनवरी को कैबिनेट विभाग द्वारा पत्र जारी किए गए थे तब उसमें कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग की भी जानकारी दी गई ताकि कैबिनेट के बैठक में ली गई फैसलों की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी जा सके। लेकिन यह मीडिया ब्रीफिंग क्यों रद्द हुई इसे लेकर कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में राज्यपाल अभिभाषण और बजट से जुड़े मामलों पर मुहर लगे। नीतीश कुमार का झारखंड दौरा हुआ रद्द। 4 फरवरी को रैली के लिए नीतीश कुमार झारखंड जाने वाले थे लेकिन अब खबर है कि इस रैली को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार की रैली झारखंड के रामगढ़ में होने वाली थी। अब इस रैली को रद्द करने के बाद सियासत गर्माती नजर आ रही जिसे लेकर लोग कई सियासी मायने लगा रहे हैं और एक बार फिर से बिहार के सियासत में बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का यह दौरा क्यों रद्द हुआ इसे लेकर आधिकारिक तौर पर जदयू द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा से भी दूरी बना सकते हैं। बीते दिन कैबिनेट की मीटिंग भी बहुत जल्द समाप्त हो गई और इस दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव से दूरी बनाई रखी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश के सामने खड़े किए सवाल। एनडीए में मौजूद कई नेता बिहार की राजनीति में बदलाव को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा की है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं, वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिनको जनता ने नकार दिया उसे आपने स्वीकार करके गलबहियां कर लिया। इस सिद्धांत की राजनीति पर बिहार की जनता शर्मसार हो रही है। जवाब तो देना ही होगा और बताना होगा कि राजनीति का स्थिरता से जो अराजकता फैल रही है, जो अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, ये कैसे रुकेगा। इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देना होगा। बिहार की राजनीति में गर्माहट तेज। लालू और नीतीश ने अपने अपने आवास पर बुलाए बैठक। बिहार की सियासत में लगातार सुखबुगाहट देखी जा रही है। महागठबंधन में मौजूद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही। दरअसल बीते दिन शाम के समय में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कई वरीय नेताओं को अचानक से आवास पर बुला लिया और फिर यहां बातचीत चली। तो वहीं दूसरी तरफ राजद खेमे में भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कई नेताओं से बातचीत की है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और रेणु देवी अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं में विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, संजय सिंह, उमेश कुशवाहा समेत कई नेता शामिल थे। हालांकि बैठक को लेकर जदयू की तरफ से जो कहा गया है कि बैठक करना तो सभी दलों का काम है, सरकार में सब कुछ ठीक है, तभी तो हम झंडा फहराने जा रहे हैं। आईसीसी ने विराट कोहली को लगातार चौथी बार दिया यह खिताब। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का विजेता घोषित किया गया है। कोहली ने यह खिताब लगातार चौथी बार अपने नाम की है। ऐसे में विराट दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं जिन्होंने यह खिताब लगातार 4 बार अपने नाम किया है। बता दें कि साल 2023 में वनडे के 27 मैचों में विराट कोहली ने 1377 रन बनाए, 1 क्रिकेट और 12 कैच पकड़े थे। वहीं वर्ल्ड कप में भी इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अच्छे खासे स्कोर बनाए थे और सचिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। हालांकि फाइनल के दौरान उन्होंने अर्धशतक भी करे थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में 1930 में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया। सन 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1950 में अपने पद से त्याग पत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय का नाम 1950 में बदलकर सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया था। युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर 1972 में राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। साल 2001 में संगीतकार लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। 2008 में 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने परेड की सलामी ली थी। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे मनरेगा के इस फर्जी वेबसाइट के बारे में। इंटरनेट के इस जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। देश में चल रहे मनरेगा योजना से कई युवाओं को रोजगार मिलता है और उनके परिवार के आर्थिक मदद के लिए मनरेगा कई हद तक एक सफल योजना भी है। लेकिन इन दिनों युवाओं को ठगने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक फर्जी वेबसाइट लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी रोजगार देने का दावा कर रही है। जब आपकी नज़र इस वेबसाइट पर जाएगी तो मानो एक नज़र में ये मनरेगा से जुड़ी ही कोई सरकारी वेबसाइट हो। यह वेबसाइट लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के नाम पर पैसे भी ले रही।
लेकिन www.rozgarsevak.organization नाम की यह वेबसाइट पूरी तरह से फर्जी है। इसे लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है और इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। अनजान रास्तों पर महसूस हो खतरा तो व्हाट्सएप के इस फीचर का ले मदद। व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर में लाखों करोड़ों यूजर्स द्वारा चैटिंग के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें एक ऐसे भी फीचर है जिसकी मदद से आप किसी अनजान जगह पर रहते हैं या किसी अनजान जगह पर जाते हैं या आपको खतरा महसूस होता है तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। हम यहाँ बात करें व्हाट्सएप के लोकेशन शेयरिंग फीचर के बारे में, जिसकी मदद से आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप खोलना होगा। अब अपने परिवार के सदस्य या दोस्त का चैट पेज खोले। यहाँ आपको मैसेज टाइपिंग बॉक्स के ठीक बगल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लोकेशन के ऑप्शन पर टैप करना होगा। फिर आप जीपीएस को इनेबल कर ले और शेयर लाइव लोकेशन पर टैप कर दे। इस फीचर की खास बात यह है कि आप मिनट और घंटों के हिसाब से लंबे समय तक अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। आज से 3 दिन शेयर मार्केट रहेगा बंद। यदि आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक अपडेट जारी किया गया है जिसके मुताबिक 3 दिन तक स्टॉक मार्केट बंद रहने वाला है, जिसमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाकी 27 और 28 यानी शनिवार और रविवार के दिन बाजार बंद रहने वाला है। वहीं बीते दिन मार्केट में थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 359.64 पॉइंट यानी 0.51% की गिरावट के साथ 70,700.67 और निफ्टी 101.35 पॉइंट यानी 0.47% से टूटकर 21,352.60 पर बंद हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए है 17 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 जनवरी, ऑप्शन सी है 16 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 जनवरी। इसका सही उत्तर है 17 जनवरी। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है एमपी शास्त्री, ऑप्शन सी है रंजन गगोई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रंजन गगोई। हाल ही में कहां के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी शुरू हुई है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। बिहार के किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान और हरियाणा, ऑप्शन डी है बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2013। इसका सही उत्तर है 2008। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुकेश, राजीव कुमार, पंचम वर्मा, सादुल्ला पल्लवी, राजकिशोर महतो, सुमित शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, ऋतिक रोशन, पंकज कुमार दास, सुकुमार सिंह, अजय कुमार, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, अतीक खान, धर्मवीर कुमार, रामनाथ शाह, गोनर शर्मा, विवेक मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, रामनवमी मांझी, नौसाद रजा, तबरेज आलम, शंकर कुमार, प्रीतम कुमारी, छोटू राजा, रानी यादव, अभिषेक कुमार, अमरजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज का 75वां गणतंत्र दिवस आप कैसे मना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।